अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फजिया खान इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स लाहौर ऑफिस से आपके साथ हूँ। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टूडेंट वीजा इन डिटेल अबाउट यूके, और लेकिन उसमें पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बिफोर आई स्टार्ट। एक कोविड जो है वो मतलब इस लेवल पे जरूर फैला हुआ है। आई एम द विक्टिम ऑफ दैट एंड फॉर द लास्ट टू वीक्स I have suffered from fever and other such stuff, जिसमें मैं मतलब अपने आप को stability की तरफ लाने के लिए मुझे अपनी food, अपनी चीज़ों के ऊपर काफ़ी तवज्जो देनी पड़ी। तो मेरी request ये है कि आप लोग please, for God's sake, एक तो mask पहने, अपने आप को safe रखें, और अपना जो आपने मतलब हाथ सैनिटाइज करने होते हैं, एटलीस्ट व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कि आप अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें, वो चीजों के लिए अपना डिस्टेंस इस लेवल पे मेंटेन रखें कि किसी का सांस एटलीस्ट आप तक ना पहुंचे। क्योंकि सबसे ज्यादा वो चीजें ये होती हैं कि कोई इस तरह की बात नहीं है कोविड कि जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल ही मतलब सरवाइव नहीं कर पाते हैं। आप सरवाइव जरूर कर जाते हैं, आपके अंदर इम्यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को आपने सेफ्टी मेजर्स को लाजमी लेना है। तो उस चीज के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं सफर करती, दिस इज माय मतलब आफ्टर कोविड मेरा सेकेंड डे ऑफिस में, जिसमें मैं आके मतलब बैठ के, तो मैंने ये सोचा है कि मैं लाइव जाऊं। और आप अपनी पॉजिटिविटी को कायम रखें, हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचें, पॉजिटिव चीजें देखें, और जो आगे बढ़ने की लगन है उसके टुवर्ड्स अपनी हिम्मत को कभी ना हारें। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कोविड से बच सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट व्यूज है वैक्सीन के बारे में, डिफरेंट व्यूज हैं इन चीजों के बारे में कि आपने अपने आप को सेफ कैसे रखना है। वो चीजों के लिए वैक्सीन लोग लगवाने के बाद भी अफेक्ट हो जाते हैं कोविड से, वो सफर करना पड़ता है उनको। और लेकिन मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट को पहले 5 मिनट ये देना चाह रही थी कि आप प्लीज अपने आप को, अगर आपने सेफ रखना है तो प्लीज कोविड को थोड़ा सा सीरियस लें और अपनी सेफ्टी मेजर्स को कायम रखें। आप मास्क पहने बाहर जाते हुए, आप इंट्रैक्शन को एक 60 मतलब जो इतना फासला जरूर कायम रखें कि कोई दूसरे की चीजें आप तक आए ना, सो दैट आप अपने आप को महफूज रख सके। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी महफूज रखे, हमारी कौम को भी महफूज रखे, और हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ने की और अच्छी सेहत के साथ चीजें करने की तौफीक दे। सो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बारे में कि हम डिस्कस करें इन डिटेल जो स्टूडेंट वीजा है यूके का। मेरे साथ मौजूद है सदाम अकबर, मैं उनको अभी अपना मतलब साथ लेती हूँ चीजों की डिटेल बताने के लिए जो डिस्कस करेंगे, और आपको वो चीजों के बारे में इन डिटेल बताएंगे कि स्टूडेंट वीजा की ऑप्शंस क्या हैं। लेकिन मैं सदाम को लाइव लेने से पहले थोड़ा सा आपको यूके के बारे में ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यूके स्टूडेंट वीजा पे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। द रीजन अबाउट फोकसिंग स्टूडेंट वीजा इन यूके इज कि स्टूडेंट वीजा में यूके की रेशियो बहुत अच्छी है। यूके वीजाज जो है वो अभी भी चल रहे हैं, कोविड के होने के बावजूद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ रही है 9 तारीख से। फ्रॉम 9 अप्रैल वी हैव हर्ड अबाउट इट के पाकिस्तान इज गोना बी अमंग द रेड लिस्ट फॉर यूके, लेकिन उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है, जिसमें चूंकि कोविड बढ़ गया है तो इस वजह से उन्होंने मतलब फॉर द टाइम बीइंग वो चीजों को रोकेंगे। विजिट वीजा को अभी उन्होंने मतलब टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए उसको बंद कर देंगे, और उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी वो जो चीज वो विजिट वीजा होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बी पेशेंट अबाउट इट। और हम इन डिटेल पहले आप प्रोग्राम को लेके चलते हैं, ये डिस्कस करें कि अंडर ग्रेड प्रोग्राम, अंडर ग्रेड में जो लोग जा सकते हैं, जो लोग जा सकते हैं मैट्रिक के बाद, जो लोग जा सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद अपनी हायर स्टडीज के लिए, या जो लोग जा सकते हैं अपनी 16 ईयर क्वालिफिकेशन के बाद, उसका क्राइटेरिया क्या क्या है। मैं सबसे पहले स्टेप वाइज चलूंगी, सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे अंडर ग्रेड प्रोग्राम को, और उसके ऊपर आपको जनरली हम ये बताएंगे कि हमारे पास स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है अंडर ग्रेड प्रोग्राम के अंदर। 50% स्कॉलरशिप भी अवेलेबल
डिफरेंट स्कॉलरशिप की कैटेगरी से है, मतलब कितने परसेंटेज में मौजूद है वो। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि सद्दाम आपको थोड़ा सा इन चीजों की डिटेल बताएं कि जो मतलब हमारा अंडरग्रेड के लिए पहले क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। जी सद्दाम, अस्सलाम वालेकुम। सदाम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना, आपका माइक म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कीजिएगा। जी अभी बात। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा मैम ने बताया कि हम मैट्रिक वाले बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज दे आए हैं और अंडर ग्रेड वाले बच्चों के लिए भी। किस मैट्रिक वाले बच्चे हैं जो पाकिस्तान में उनको इंटर करने के बाद आइल्स करते हैं और फिर वो यूके के लिए अपना अंडर ग्रेड में अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है कि वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन में। एक साल का फाउंडेशन करें, जिसके लिए उनको ये है कि फाउंडेशन करने के बाद वो डायरेक्ट अपना अंडरग्रेड में एडमिशन ले सकते हैं यूके में। उनके मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसके लिए उनको 60% मार्क्स चाहिए अंडरग्रेड मैट्रिक के बच्चों के लिए। आफ्टर मैट्रिक उनके 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आइल्स वो 5 ओवरऑल भी कर लेते हैं तो एक्सेप्ट है। बाकी उनकी जो हमारे पास मेन चीज है कि आप हमारे पास अक्सर कभी कैसे क्यूरीज आती है मैट्रिक के बच्चों के लिए कि जी हमने यूके जाना है लेकिन वो आइल्स नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी टेस्ट अवेलेबल है कि वो आइल्स की जगह यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं। सेकेंड ये है कि वो अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं आपको, यानी कि 14,000 पाउंड एक फीस है भी। लेकिन हम साथ में उनके लिए स्कॉलरशिप भी लाए हैं जिसके अंदर बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिलेगी, साथ में बच्चे इंस्टॉलमेंट में अपनी फीस पे कर सकते हैं इजीली और अपना फ्यूचर उधर यूके में सिक्योर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इंटर करें दो साल। एक मिनट मुझे ये बताइएगा सदैम इस चीज के बारे में कि जो फी है यूनिवर्सिटी की, क्या वहाँ पे अंडर ग्रेड प्रोग्राम ज्यादातर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे कैंपसेस में मौजूद है, या हम कुछ स्पेसिफिक एरियाज को देखेंगे इस चीज के बारे में अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए? हम स्टेप वाइज चलते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को ये पता चल सके कि फी यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया फी का कहाँ तक है। नॉर्मल हालात में फी का क्राइटेरिया जो है वो 13,000 से 16,000 तक होता है, क्या यही क्राइटेरिया अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए भी है? जी मैम, बिल्कुल इसी तरह क्राइटेरिया है कि नॉर्मल 12,000 से 15,000 पाउंड के दरमियान अंडर ग्रेड की फीस होती है। लेकिन जैसा हम मैट्रिक वाले बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैट्रिक वाले बच्चे भी यूके अब जा सकते हैं, तो उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज ने ये फाउंडेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके लिए वो उन्हीं मखसूस यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में नहीं है ये अवेलेबल। वैसे अंडर ग्रेड हर यूनिवर्सिटी में जो नॉर्मल फीस है वो 12,000 से 15,000 पाउंड है। ओके, इसमें आप इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हैं। जो अंडर ग्रेड की डिग्री होती है यूके में वो 3 साल की आपको करनी होती है, बाकी कंट्रीज में देखा जाए तो 4 साल की होती है, लेकिन यूके में आपको 3 साल की अंडर ग्रेड की डिग्री मिलती है। तो आप मैट्रिक के बाद क्या क्या इनको, आप अपना स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा लो रखिए ना स्पीकर का, क्या मैट्रिक के बाद हमारे व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि उन्हें फाउंडेशन ईयर में लाजमी जाना पड़ेगा, या वो मतलब विदाउट फाउंडेशन ईयर भी कर सकते हैं उस चीज को? नहीं मैम, फाउंडेशन ईयर लाजमी उनको करना पड़ेगा मैट्रिक के बाद, लाजमी है उनके लिए कि वो अपने इंटर को उधर गैप कवर कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, अंडर ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो, फिर उसके बाद वो डिग्री में एडमिशन लेंगे वहाँ। अच्छा, अब आप ये बताएं फी क्राइटेरिया आपने बता दिया, तो अब आप ये बताएं कि फी क्राइटेरिया अगर ये है तो इन्हें इसके अलावा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आप बता रहे हैं कि 5 ओवरऑल चाहिए, मिनिमम 4.4 बैंड आईएलटीएस में चाहिए, राइट फॉर अंडरग्रेड? राइट, अगर अंडरग्रेड में इंटर का बच्चा है जिसने इंटर की हुई है 60% मार्क्स है, तो उसको 6 ओवरऑल आईएलटीएस रिक्वायर्ड होगा। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो आपको 5 ओवरऑल रिक्वायर्ड है आईएलटीएस, मैट्रिक की और इंटर आपके पास 5 ओवरऑल आईएलटीएस है तो आप जा सकते हैं।
और अगर अब हम इंटर मैट्रिक के अलावा अगर हम सोचें जो पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल, उसमें फी का क्राइटेरिया क्या है? पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम में दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कितने गैप के साथ जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग चूंकि इमिग्रेशन के लिए भी आते हैं और वो उस चीज को भी देखते हैं कि अगर हमारे पास निकलने का कोई रास्ता हमें मिल जाए तो हम उस रास्ते को अपना लें। तो आप ये बता दें यहाँ पे कि पोस्ट ग्रेड के लिए उनकी जो फी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, और उसके अलावा उनको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है। ये तीन स्टेप्स को सदाम जरा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। पोस्ट ग्रेड पे आपको विद एंड विदाउट आर्ट्स एडमिशन मिल सकता है। आपको मीडियम आप इंट्रैक्शन के ऊपर भी आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है विदाउट आर्ट्स। कुछ हमारे पास यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ विदाउट आर्ट्स आपको एडमिशन हम दिला सकते हैं। वैसे आर्ट्स की रिक्वायरमेंट जो यूके में है वो 6.5 ओवरऑल, मिनिमम 5.5 है। आपके पास एकेडमिक आर्ट्स होना चाहिए। जहाँ गैप का सवाल है तो गैप आपका 10 ईयर का भी एक्सेप्ट करता है यूके। मुझे ये पता चला कि मोर लाइकली अगस्त में इनकी कोई अपडेट आ रही है जिसमें वो थोड़ा सा अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे, और उस पॉलिसी में वो शायद लाजमी कर दे कि वो जो आपने आईएलटीएस है वो यूके वीआई देना है। तो क्या ये हम अपने व्यूअर्स को बिल्कुल ये सच है कि वो अगस्त में अपनी नई पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं जिसमें वो अपने यूके वीआई आईएलटीएस मस्ट कर रहे हैं। सेकंड ये अगर आप विदाउट आईएलटीएस जाना चाहते हैं तो अभी अप्लाई करें सितंबर के लिए ताकि आप एडमिशन लेके अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूके ने जैन ही अपनी पॉलिसी अनाउंस की थी कि आप 6 मंथ पहले अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और वो पॉलिसी जी बिल्कुल चल रही है, और साथ में आपको एक इस चीज में फायदा ये है कि आपकी अगर क्लासेस 15 सितंबर को स्टार्ट होनी है तो आप 15 अगस्त को ट्रेवल कर सकते हैं। तो एक मंथ आपके पास है कि आप वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए अपनी जॉब के लिए चीजें इजीली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा सदाम, फिर अब आप ये बताइए कि इसमें इंग्लिश के लिए इंग्लिश को स्किप भी किया जा सकता है? कोई ऐसा है मतलब चांस कोई यूनिवर्सिटीज जो अपने इंग्लिश को ना ले और वो उस चीज के ऊपर? बिल्कुल, अभी हमारे पास ऐसे ऑप्शन हैं कि हम आपका विदाउट आईएलटीएस करवा सकते हैं एडमिशन, लेकिन अगर पॉलिसी अनाउंस हो गई और क्राइटेरिया सख्त हो गए कि आईएलटीएस मस्ट हो गए तो फिर ये चांस खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। कि जिससे अभी स्टूडेंट्स हमारे डरते हैं आईएलटीएस करने से या घबरा रहे होते हैं, तो उनके लिए अभी बेस्ट ऑप्शन है कि वो विदाउट आईएलटीएस अपना एडमिशन करवा के सिक्योर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। मेन दूसरी ट्यूशन फीस की बात की जाए तो एजुकेशन एंड बिजनेस में 12 से 15 हजार पाउंड फीस है। इंजीनियरिंग की बात किया है तो 14 to 18 thousand पाउंड फीस है। इंजीनियरिंग आईटी की ज्यादा है यूके में 1 year की फीस, क्योंकि उधर स्कोप भी ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है आईटी की। अच्छा जो एक और चीज है, मुझे ये बताएं कि आप बैंक स्टेटमेंट क्या रिक्वायर्ड है इस चीज में? बैंक स्टेटमेंट में मतलब जो लोगों को जाना होता है, क्योंकि जब आप स्टडीज के लिए जाते हैं तो यूजुअली यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को शो करवाएं और पूरा करवा सकें। तो हमने कितनी फी पे करनी होती है? वन थिंग इज कि मतलब मुझे पहले स्टेप के ऊपर कितनी फी यूनिवर्सिटी में पे करनी है और मेरी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? जी सदाम, मैम वैसे लिविंग के लिए जो आउट ऑफ लंदन रिक्वायर्ड होता है वो 9,300 पाउंड है, और इनसाइड लंदन आपको 30,000 पाउंड रिक्वायर्ड है लिविंग। लेकिन हमारे उनका एक रूल है कि साथ में आपकी फीस जितनी आप पे करें, अगर एक है एजुकेशन की कि 12,000 पाउंड फीस है और बच्चा पे करते 5,000 पाउंड यूनिवर्सिटी लेटर पे कि आप 5 कर दे, बाकी आपकी अगर 7,000 रह गए तो वो ऐड होगी आपके स्टेटमेंट के अंदर। तो इससे आपकी जो स्टेटमेंट बन जाती है वो 4.5 million तक चल जाती है। और आपको जो और उसमें जो
स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो 28 डेज की ब्लॉक अकाउंट चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस में शो करवानी होती है ओके और आप इसका मतलब ये है कि हमने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट मतलब देनी है वो हमारी रिमेनिंग अमाउंट प्लस हमारे लिविंग एक्सपेंसेस इफ इन लंदन आर मोर, इफ आउटसाइड ऑफ लंदन देन लेस, वो 9 हर महीने का 1033 या 1033 pounds पर मंथ के ऊपर आता है, जी तो वो नौ, मैडम 1023 pounds, हाँ जी 23 pounds, और वो 9 months का रिक्वायर्ड होता है, तो उतनी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। और इस बैंक स्टेटमेंट में आपने ये लिविंग एक्सपेंस फॉर ईच एडिशनल एप्लीकेंट भी ऐड करना होता है, तो जो स्पाउस है और जो बच्चे हैं उनकी अगर बैंक स्टेटमेंट ऐड करनी हो सदैम, तो उनका लिविंग एक्सपेंसेस किस लेवल पे आता है? 7000 pounds रिक्वायर्ड होते हैं स्पाउस के लिए आउट ऑफ लंदन, कि उनको भी 28 डेज के लिए ब्लॉक शो करने होते हैं, और अगर इनसाइड लंदन है तो 8000 pounds रिक्वायर्ड होंगे उनको। ऑलराइट, तो ये हमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं यहाँ पर, के अक्सर हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो मैरिड होते हैं, उनकी 14 ईयर एजुकेशन होती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने यूके जाना है लेकिन फैमिली के साथ, तो वो क्लियर हो कि अंडर ग्रेड का बच्चा कभी भी फैमिली के साथ नहीं जा सकता, वो वहां जाएगा तो डिग्री कंप्लीट करेगा, मास्टर में एडमिशन लेने के बाद ही अपनी फैमिली को बुला सकता है। हाँ जी, क्योंकि हमें हमारे व्यूअर्स यहाँ पे एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है, वो ये बात है कि जो लोग मतलब अपना यहाँ पे क्राइटेरिया को ये रखते हैं कि हमने अंडर ग्रेड मतलब 14 साल अगर मेरे पास एजुकेशन है तो मैंने ये समझ लिया कि मैं इस वक्त मतलब मास्टर्स लेवल पे पढ़ने के लिए जा सकता हूँ, तो वो बेसिकली मास्टर लेवल नहीं होता, वो जो आउट ऑफ मतलब पाकिस्तान है हमारी एजुकेशन को, 14 साल की एजुकेशन को अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए ही कंसिडर किया जाता है। आपकी एजुकेशन अगर 16 साल है तो आप पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम के लिए कंसिडर हो सकते हैं उस चीज के लिए, और तब वो आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। अंडर ग्रेड प्रोग्राम अराउंड द ग्लोब में आपको अलाउ नहीं होता कि आप अपने स्पाउस या बच्चों को साथ लेके जा सके, अनलेस एंड अंटिल यू मीट द बेसिक क्राइटेरिया कि आप वहां पे अपनी पोस्ट ग्रेड एजुकेशन को मैनेज मतलब पोस्ट अपना 1 साल पढ़ने के बाद फिर आप अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। तो इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट फेस करता है वो ये है कि क्या अटेस्टेड मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए एचईसी से, या बिना अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के ऊपर भी चीजें मैनेज की जा सकती हैं और उनको वहां पे भेजा जा सकता है। जी सदैव, यूके के लिए रिक्वायर्ड नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए, वो यूरोप की रिक्वायरमेंट्स है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, उनके भी यूरोप में सिर्फ वीजा की रिक्वायरमेंट्स है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए, या कैनेडा मांगते हैं या ऑस्ट्रेलिया, बाकी कोई कंट्री पे आपको नहीं मांगते। इसका मतलब है कि हम अटेस्टेशन वाले प्रोसेस से वो निकल के आगे मतलब चल पड़ते हैं और हमारी उस चीज के ऊपर आता है हमारे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, ये चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा हमने बैंक स्टेटमेंट का बता दिया आपको, हमने इसके अलावा आपको ये बता दिया कि आपके पास अमाउंट कितनी होनी चाहिए डिफरेंट। अब हम बात करेंगे तो वो इनटेक की बात है कि पहला मतलब एक इनटेक जो मई में रन हो रहा था उसके लिए लोगों ने अप्लाई किया और बहुत सारे लोग चले भी गए, अगला इनटेक सितंबर का है यूके राइट सदैम, और उसके अलावा उससे अगला इनटेक जनवरी में है, तो जो सितंबर इनटेक वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स को अभी से अपना एडमिशन अप्लाई करके एडमिशन सिक्योर करना चाहिए, उसके बाद अपना वीजा अप्लाई कर लें, ताकि यूके की जो अगस्त में अनाउंस हो रही है पॉलिसी वो उससे भी बच सकता है, दूसरे ट्रैवलिंग के लिए उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पहले से ट्रैवल करके अपने अकोमोडेशन जॉब अपॉर्चुनिटी वो आराम से उधर हासिल कर सकते हैं। अभी ये है कि अगर वो एक चीज होती है कि यूनिवर्सिटी में सीट कम है इस टाइम, कि आपको एडमिशन जो भी है अकलमंद स्टूडेंट जिनको हम कहते हैं कि वो फौरन से अभी से सितंबर इनटेक के लिए अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
और जो लास्ट में सोच रहे हैं कि जी हम जून में या जुलाई में करेंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है कि क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर उनके वीजा के लिए प्रॉब्लम होगी कि उनको ऑनलाइन क्लासेस पहले पाकिस्तान में लेनी पड़ेंगी, उसके बाद वो ट्रैवल कर सकेंगे। और अच्छा, इसके अलावा जो मैं इम्पोर्टेंट वो चीज़ देखना चाहूँगी कि हम ऑनवर्ड्स अपने डिफरेंट कंट्रीज के लिए बताएंगे। यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा मेरी एक मतलब वन ऑफ द अभी तक मतलब उस चीज में क्लाइंट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो पूछ रही है सदफ जावेद साहब, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे हुए थे और उस चीज के लिए उन्होंने कहा कि मैम आपके पास मौजूद है तो अप्लाई कर दें। तो सदफ एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आपका गैप हो, तो गैप अगर ज्यादा है मोर देन 10 ईयर्स, तो ऐसे सिनेरियो में आपको पहले उस गैप को किसी तरह से कम करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वीजा के लिए अगर गैप कंसिडर नहीं होता तो वो आपके मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम में जो आप हायर लेवल पे लेके जा रहे हो उसमें, या आपके PhD में पर्टिकुलरली कंसिडर नहीं होता। इफ द एज इज प्लस 40+, तो आपका और आपको पढ़ाई खत्म की हुई, अपनी एजुकेशन को स्टॉप की हुई, इट्स बीन 20 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल, और मोर देन 18 ईयर्स या 15 ईयर्स, तो ऐसे सिनेरियो में आउट ऑफ द ब्लू ये आप उठ के अप्लाई करें स्टूडेंट वीजा के लिए, तो उनको ये लगता है कि द एंट्रेंट इज नॉट अ जेन्युइन एंट्रेंट। तो उस इस सिनेरियो में आपको हमारे पास एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम अपने व्यूअर्स को वो देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कि अगर आपका गैप लंबा है तो आप बजाय इसके कि पहले ही आपने इस चीज के ऊपर करना शुरू कर दिया, आप सबसे पहले ये करें कि अपना वो गैप जो है उसको कम करें। कम करने का तरीका है उसके लिए मौजूद। आप हम ऑफर करते हैं अवॉर्डिंग बॉडी क्वालिफाई के थ्रू, हम ऑफर करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज जो आपके मिनिमम 3 to 4 मंथ के अंदर अंदर आपने अपना ऑनलाइन कोर्सेज Level 6, Level 7, Level 5, Level 4, Level 3, Level 2, इसके सर्टेन कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम मतलब आप हमारे थ्रू अप्लाई करके उसको कर सकते हैं, और ब्रिटिश काउंसिल में आपको अपना असाइनमेंट्स जमा करवानी होती है, और उन असाइनमेंट को आपका मतलब विद इन दिस टाइम पीरियड अगर आप अपना गैप पूरा कर ले और आप कोई लेवल आप यहाँ पे अचीव कर ले, तो आप उसके लिए फिर आगे जा सकते हैं, मतलब अपना अगले सेमेस्टर में या अगले प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटी को आपको वो लंबा गैप नजर नहीं आएगा क्योंकि आपने अपनी एजुकेशन को सम और ज्यादा शो कर दिया कि आपने कंटिन्यू कर लिया। वो लेवल्स कोई इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप अगर ऑनलाइन अपना 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपना एक लेवल पूरा कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपका लंबा गैप खत्म हो गया और आपने उस चीज को अपनी को आगे अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रन कर लिया, क्योंकि वो लेवल्स आपके अराउंड द ग्लोब एक्सेप्टेड है। चाहे आप उन लेवल्स के साथ कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में अप्लाई कर रहे हैं, यूके में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे सारी चीजों में वो आपका अवेलेबल होता है। तो इस वजह से अगर आप इस चीज को देखें तो आपके इसकी फर्दर क्वेरी के लिए आप हमें हमारे नंबर ऑफिस मौजूद हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में, हमारा वहाँ के नंबर्स को इस्लामाबाद ऑफिस में 03085858 7 और लाहौर ऑफिस में 03315897 और उसके अलावा सदन सब अगला नंबर कौन सा है वो बताइएगा जरा। 03409586863। अच्छा, ये नंबर्स हमारे हैं। आप इसके अलावा स्टूडेंट वीजा एट इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स डॉट पीके पे हमें अपनी ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल भेज के आप ये चेक कर सकते हैं कि हम मतलब आपको उसकी असेसमेंट दे दें और आपकी चीजों का इनटेक का बता दें, कौन से कोर्सेज में आप जा सकते हैं, कौन से में नहीं जा सकते, क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए और किस तरह से आपको हल मिल सकता है अपनी इमिग्रेशन और अपने टेम्प्रेरी स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा इज बेसिकली अ टेम्प्रेरी माइग्रेटिंग टू सम कंट्री ऑन टेम्प्रेरी बेसिस, तो आपको उस बेस के ऊपर कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किस मुल्क में जाने की। और जहाँ पे ये बात आती है कि अगर हम देखे चले फॉर एग्जाम्पल यूके को, तो यूके ने अपनी, मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में ये बताया कि यूके ने अपनी इमिग्रेशन स्टार्ट कर दी है
1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो गई है, तो उस चीज के ऊपर भी मतलब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप जब जाते हैं और आप जॉब की अपॉर्चुनिटी वहां पे सर्च कर लेते हैं, जॉब ढूंढ लेते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जॉब ढूंढने पर आपको ये है कि आपकी इमिग्रेशन हो सकती है, आप उसके बाद अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जॉब ऑफर के 40 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं और उसकी बेस के ऊपर आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। तो स्टडी इज अ पाथवे टुवर्ड्स योर इमिग्रेशन एज वेल इन यूके। उस चीज को देखते हुए भी आपका आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आप अपने वीजा रेशो अच्छी है इस वक्त यूके की, इस वक्त फैमिलीज का वीजा साथ मिल सकता है आपको, तो उन सारी बातों को देखते हुए अगर आप क्या है कि हमने मूव करना है एज अ मतलब किसी तरह से भी निकलना है, तो ये पाथवे इज द बेस्ट पाथवे जिसको चूज करके तो उसकी तरफ निकला जा सकता है। इसके अलावा हम इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में अपना प्रोग्राम करेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट वीजा के बारे में बताएंगे। अभी कुछ चीजें बताएं सदम, मैंने फर्दर अभी कंटिन्यू करेंगे कि सवालों के जवाब जो लोग यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, पहले हम एक हमेशा पैटर्न पे चल रहे होते हैं कि हम आपको ये बता दें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, इंग्लिश कितनी होनी चाहिए, सीजीपीए क्या होना चाहिए। मेरी नजर में हमने यहाँ पे डिस्कस करते हुए शायद सीजीपीए को डिस्कस नहीं किया, वो भी थोड़ा सा बताएं सदैन। मैम आपकी आवाज कम, सॉरी, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, आपने माइक को स्लो किया, अपने उसको स्लो किया हुआ बेसिकली स्पीकर को, मुझे ये बताएं कि जो इसमें परसेंटेज क्या चाहिए होती है, फिर मैं क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगी। अंडरग्रेड के लिए जो परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है वो 60% रिक्वायर्ड होती है हमें, आईएलटीएस आपका 6 ओवरऑल मिनिमम 5.5 होना चाहिए, लेकिन पोस्ट ग्रेड के लिए 65 आपके पास होना चाहिए परसेंटेज, आपका CGPA 2.5 2.6 हो, और साथ में आपके पास आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट ये होती है कि 6.5 ओवरऑल और मिनिमम 5.5 रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा हमारे पास स्कॉलरशिप भी हैं जिनकी डेडलाइन बहुत कम अब टाइम रह गया है कि आपको 5,000-10,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर आप अभी से जिनके पास जिन बच्चों के पास पोस्ट ग्रेड या अंडर ग्रेड के लिए आईएलटीएस अवेलेबल है और सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 50% भी स्कॉलरशिप दे रही है सितंबर इंटेक के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम स्किप कर गए, बल्कि इसके ऊपर तो पूरा एक प्रोग्राम किया जा सकता है, और वो ये चीज है कि यूके में स्कॉलरशिप की ऑप्शन मौजूद है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, स्कॉलरशिप के अंदर सुदैम कोई इस तरह की बात है कि आपकी इतनी परसेंटेज हो तो स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं? आपके 70% परसेंटेज होनी चाहिए, 6.5 ओवरऑल सी ईच आर्ट्स होना चाहिए आपके पास जो उनके मेन रिक्वायरमेंट्स है, और कुछ गैप भी एक्सेप्ट है सब कुछ। जी व्यूअर्स, आप इस चीज के लिए हमेशा एक बात थोड़ी सी याद रखें कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी कोई भी मुल्क ये देता है कि आपको वो ये बताए कि आपके पास बेसिकली आप उनका स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुछ कैपेबिलिटी अपर लेवल की चाहिए होती है, मतलब अपग्रेडेड लेवल की, मुराद ये कि उसमें आपकी परसेंटेज जरा हायर चाहिए होती है तब वो आप अवेल कर सकते हैं। मैं 30th तक आई होप ये अवेलेबल है स्कॉलरशिप, राइट? यस, 50% भी हमारे पास 5,000-10,000 पाउंड की भी, अंडर ग्रेड के बच्चों के लिए भी है, पोस्ट ग्रेड के बच्चों के लिए भी है। मेन ऑलराइट, साथ में आपके पास आईएलटीएस मास्टर होना चाहिए क्योंकि हमारे पास डेडलाइन क्लोज है उनकी, जो स्कॉलरशिप है उनकी डेडलाइन बहुत करीब है, तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका आईएलटीएस, पासपोर्ट, सब कुछ आपके पास एक ही टाइम में कंप्लीट हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की डेडलाइन कब है? स्कॉलरशिप की मिड ऑफ मई है।
तो जिन लोगों के पास आईएलटीएस नहीं है, फॉर एग्जांपल जी स्कॉलरशिप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी है, पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम के लिए, अंडर ग्रेड दोनों के लिए मौजूद है। आप इमीडिएटली ये कर सकते हैं कि आप अपना सीवी हमें ड्रॉप कर सकते हैं स्टूडेंट वीजा एट इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स डॉट पी के। सीवी से मुराद आपकी परसेंटेज डॉक्यूमेंट्स में आपका इंटरमीडिएट मैट्रिक बैचलर्स और ये परसेंटेज चाहिए। इसके अलावा आप हमारे नंबर्स जो मैं आपको इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस के नंबर्स बता रही हूँ, इन पे कॉल करके आप ये पता कर सकते हैं 0308585 TETRA 7 एंड 0331589 TETRA 7। इसके अलावा अदर प्रोवाइडेड नंबर्स भी जो हमारे मौजूद है, उन पे कॉल करके आप ये चेक करके ये हमसे पूछ सकते हैं कि क्या आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। वो देर इज नो कॉस्ट फॉर दैट, और आपके स्कॉलरशिप के ऊपर तो वाले सिनेरियो में हम चार्जेस लेते हैं, लेकिन हमने मुल्तान एक्सपो में ये वाज़े कर दिया था कि हम अपने उन स्टूडेंट से, मतलब हमारी फी जो है विच इज वेरी लो फॉर द स्टूडेंट वीजा, तो उसके ऊपर मतलब हम जो काम कर रहे हैं यूके के लिए, इट्स ओनली 20,000, 10,000 बिफोर एंड 10,000 आफ्टर द वीजा। सो उस सिनेरियो में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप अपना इस चीज को चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर आपको स्कॉलरशिप के सिनेरियो में माइट बी फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो वो चीजों के लिए जहाँ पे देके दिया जा सकता है, तो उस सिनेरियो में हम आपको वो चीजें भी गाइड कर देंगे कि क्या पॉसिबिलिटी और क्या अपॉर्चुनिटी है। अब हम क्विकली क्वेश्चन के आंसर देते हैं वो, ताकि हम अपना उस चीज को देख करें। यूके विजिट वीजा मलिक सज्जाद दरअ साहब, विजिट वीजा मैंने आपको बताया इस वक्त पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट में आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि विजिट वीजा अवेलेबल नहीं होगा फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट, प्रॉपर अनाउंसमेंट आने दें वो चीजों के लिए, और क्या है वो टाइम डिफाइन होगा तो देन यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट। एंड इफ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एकेडेमिक प्रोफाइल लास्ट Masters since 2007 gap is acceptable or not? Rahim Sarfaraz, आप अपना improve कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एक बड़े अच्छी वो चीज बताई है कि online UK के levels हो सकते हैं, आप उन UK के levels को हमसे online कर सकते हैं वो, और वो 3 months के अंदर अंदर आपका level improve हो जाएगा and you can मतलब further move for studies अपना improved profile के साथ, और वो Around the globe accepted है। शुमाइला ज़ैनब कह रही है प्लीज गाइड मी बीएससी 6 एगो। शुमाइला आप अदरवाइज भी उसमें फॉल कर जाएंगी अगर आपने अप्लाई करना है अपना, तो अगर आपने 6 साल पहले बीएससी किया है तो यू आर ऑलरेडी मतलब क्वालिफाइंग फॉर दैट। आप अपना भेज के डिटेल्स तो आप चेक कर सकती हैं, और सदब ने आपको पहले बताया भी है कि वो उस चीज के बारे में 100 आप देखें, आपका अगर लेवल इंप्रूव हो जाता है, आप लेवल 7 कर लेते हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं फॉर एग्जांपल कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, एक तो आपका गैप सेंसिबली खत्म होता नजर आता है, बिकॉज यू बिकम जेन्युइन एंट्रेंट ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने अपनी स्टडीज को ऑनलाइन भी अप्लाई करके लिया और उसके बाद भी आप उस चीज को लेके चल रही हैं, तो इस सिनेरियो में आपकी वो चीजें एक्सेप्टेड है। और ये जो लेवल 7 है अगर आप कर लेते हैं तो ये अराउंड द ग्लोब एक्सेप्टेड है, ये यूके का लेवल 7 है, ठीक है, उसमें ऐसा कतई नहीं है कि वो लेवल आपका एक्सेप्टेड नहीं है। लेवल 7 की जो फी स्ट्रक्चर है, आप कॉल कर लें वो चीजों के लिए, पूछ लें और उसके ऊपर इमीडिएटली प्रॉम्प्ट एक्ट करें और अपना इंप्रूव करें अपना लेवल, और उस चीज के ऊपर मतलब अपने आपको, बंदे को हमेशा अपनी ग्रूमिंग के टुवर्ड्स तवज्जो देनी चाहिए और वो कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करने चाहिए चीजों के लिए। मैंने आपको बता दिया कि वो एक जगह पे एक्सेप्ट नहीं है तो दूसरी जगह पे भी एक्सेप्टेड है, यानी एवरीवेयर एक्सेप्टेड है। I am a veterinarian, Asif Latif साहब कह रहे हैं, doctor and have 9 years of study gap. Can I go for UK study visa? Recently did PT with 7 in H. Asif Latif साहब, अगरचे PTE accepted नहीं है, but आप चूंकि veterinarian हैं और उसके बाद आपके लिए 9 years gap के साथ, yes you can get
मतलब अपना आप ले सकते हैं, अपना एडमिशन भी आपका हो सकता है, बल्कि आपके पास ये चांस है कि वेटरनेरियन के बेसिस के ऊपर अगर आप अपनी जॉब ऑफर के लिए अप्लाई करें तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है और आप फौरी तौर पे उनकी इमिग्रेशन के एलिजिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप ने जो बैंड लिया हुआ है वो आपका सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेड है, और ऑस्ट्रेलिया में रिजवान साहब का प्रोग्राम है एट 9 o'clock टुनाइट, जिसमें उन्होंने ये बताना है कि फैमिली स्ट्रीम इज ओपन। तो फैमिली स्ट्रीम में अगर आप कॉल करते हुए और आपकी वो कैटेगरी फैमिली स्ट्रीम में आती हुई तो आप अप्लाई करके वो जा सकते हैं, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उनकी लिस्ट अपडेट होती है। फीस का क्या सीन है? मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इफ यू हैव डन मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो या तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के टुवर्ड्स जा सकते हैं कैमरान, या फिर आपको वो चीजों में ये देखना पड़ेगा कि हम स्पेसिफिकली किसी मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट के कोर्स के टुवर्ड्स लेके जाया जा सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी है आपकी। और यूके की यूनिवर्सिटी कौन कौन सी बेस्ट है? यूके की यूनिवर्सिटी सदर सारी जो है वो अंडर स्टेट है, इसलिए कोई भी यूनिवर्सिटी को ये नहीं कहा जा सकता कि वो मतलब कम लेवल की है, बट अराउंड द ग्लोब रैंकिंग मैटर कर रही होती है वो चीजों के लिए। आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे क्वालिफाई कर पाते हैं उस चीज के लिए, हमें उस चीज को लेके चलना है। एंड 55% वाला मार्क्स में यूके के लिए स्टडी वीजा मिल सकता है, 55% मार्क्स के साथ भी मिल सकता है, बट देन गैप को चेक करना पड़ेगा कि गैप कितना है, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपने अपने गैप को कवर करना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, उस ऑप्शन को भी बंदा अपना सकता है और लेके चल सकता है। इसके बाद आपका आ जाता है साजिद अली, यूके वीजा एप्लीकेशन पे डिसीजंस नहीं दे रहे, व्हाई? कौन से वीजा एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन नहीं मिल रहा साजिद अली? वीजा एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन बिल्कुल आ रहा है, वीजाज मिल रहे हैं, ये सिर्फ 3 दिन पहले की अनाउंसमेंट है कि वो रेड लिस्ट। सॉरी, मैंने कि यूके स्टूडेंट वीजा जो है वो आपको 12 से 14 डेज के अंदर वीजा लग के आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। हाँ, तो हमारे पास ऐसी कोई न्यूज नहीं है जी साजिद, हमारे वीजास में कभी इसमें कोई वो नहीं है इस तरह की न्यूज, और वीजास लग रहे हैं और मिल रहे हैं और हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं आइडिया कि आप किस तरह से वो चीजों के लिए आपको वो फील हुआ कि ऐसा कोई कुछ है। वकास, देयर आर यूनिवर्सिटीज विदाउट आईएलटीएस, तो आप उसके लिए हम बता चुके हैं, आप शेयर करें, शेयर करके वो ईमेल करें 03085857030003158587, ये नंबर्स हैं इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस के, आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी क्वेरी को डायरेक्टली आप ईमेल कर सकते हैं वो चीजों के लिए और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसके लिए। तैमूर प्रवेश कह रहे हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, तैमूर यू कैन कॉन्टेक्ट एंड वी विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शन, एंड आपको बता देंगे कि क्या चीजें और कहाँ पे वो हो सकता है विजिट। फॉर द टाइम बीइंग फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स उन्होंने थोड़े टाइम पीरियड के लिए उसको क्लोज किया है ड्यू टू कोविड और चीजों के लिए। रेड लिस्ट में मैंने आपको ऑलरेडी इसका जिक्र कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान 9th से उन्होंने रेड लिस्ट में डालने के लिए कहा है, बट द थिंग्स आर स्टिल मूविंग ऑन, और वो चीजों के लिए उसमें पॉलिसी अभी प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं हुई। फी का यस हिना, आप सितंबर इनटेक में जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, सितंबर इनटेक के लिए आप शेयर कर लीजिए, सदैम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे या इस्लामाबाद ऑफिस से मोहसिन साहब आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, और आप अपनी चीजें जहां पर भी आप लेके चलना चाहें अपनी फाइल को वहां पे आप डिस्कस कर लें और आपको बता दिया जाएगा। लेवल 6 के लिए कर लें तो वीजा चांसेस कितने हो गए विद फैमिली? बेसिकली सदफ चीजों में ये होता है, आप एक चीज को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि जो विद फैमिली है या विदाउट विद फैमिली आप वीजा पे आते हैं, विद फैमिली आप एडमिशन नहीं ले रहे होते, ठीक है। एडमिशन आपका आपकी अपनी बेसिस के ऊपर होता है, आपके
जो लेवल 6 है या लेवल 5 है या लेवल 7 है, इसके प्री रिक्विजिट में आपकी इसके प्री रिक्विजिट भी है। इवन इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन, उसमें ये नहीं हो सकता कि आपकी एजुकेशन 14 साल है तो आप लेवल 6 कर लेंगे डायरेक्ट, लेवल 7 कर लेंगे डायरेक्ट। उसके लिए पहले आपको लेवल 6 करना पड़ेगा, फिर आप लेवल 7 को क्वालिफाई कराएंगे। यानी जो जनरल क्राइटेरिया होता है किसी भी लेवल के प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो आपने मीट करने होते हैं, वो आपको मीट करने पड़ेंगे। और आसिफ लतीफ पीटी एक्सेप्टेबल है, यस थैंक यू शहबाज फॉर रिस्पॉन्डिंग विदाउट बीइंग क्वारंटीन। आपको क्वारंटीन अभी तो करना पड़ेगा, यूके ने अपनी नई पॉलिसी में ये दे दिया हुआ है कि आप जाएंगे तो आपको आई थिंक उस चीज के ऊपर जो क्वारंटीन का खर्चा, सॉरी 14 डेज के लिए क्वारंटीन लाजमी करना होगा, 400 पाउंड की फीस है। दो टेस्ट आपके यूके में होंगे, एक जाकर जैसे अराइवल के टाइम और एक आपके 8 डेज के बाद हो लेते हैं। जी ना, और उसमें आपकी अगर फैमिली साथ जा रही है तो उनको भी क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो खर्चा अच्छा खासा ज्यादा हो जाता है वो चीजों के लिए। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर आपका खर्चा ज्यादा हो गया तो आप अच्छा टाइम भी गुजारेंगे, जैसे स्टेइंग होटल में आपको मौका मिलता है अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, वो चीजों को देखने के लिए, तो वो चीजें साथ आपको करनी पड़ेंगी। वो आपको क्वारंटीन टाइम पीरियड ऑन योर ओन एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। फेसबुक विच स्कॉलरशिप इज ओपन, आपको हमने बता दिया कि 50% के स्कॉलरशिप हैं अवेलेबल हमारे पास और वो 30th मई तक अवेलेबल है। टेल मी अबाउट गैप फॉर स्टडी वीजा, उमर हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। द नंबर्स गैप जो है वो 10 साल तक उम्र एक्सेप्टेड है, और 10 साल के अलावा अगर आपका गैप है तो हमने आपको ये बता दिया कि 18 साल का गैप है या 20 साल का गैप है तो उसको कैसे खत्म करना है, आप उसके लिए इन डिटेल हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन बिहाइंड एनी प्रॉब्लम। ऑलराइट, तकीर नियाजी निजामी साहब इंटरेस्टेड टू सेटल इन फूड चेन इन यूके, हाउ इन रेड जोन पाकिस्तान आप फूड चेन में, आई हैव नो आइडिया तकीर, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप वहां पे मतलब अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी यूके में बहुत चीप है, 50,000 के ऊपर आपको मिल जाती है। आपकी जो 2 मिलियन 2 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट 2 लाख पाउंड के ऊपर थी वो इस वक्त 50,000 पाउंड के ऊपर आ गई है, लेकिन ओवरऑल आपकी कॉस्ट विद एंडोर्सिंग बॉडी जो है वो 75,000 तक आपको कॉस्ट पड़ जाती है इन टोटल, और आप अपनी बिजनेस इमिग्रेशन ले सकते हैं यूके में। एंड आसिफ लतीफ साहब, मोहम्मद शहबाज नवाज ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करनी है बट ओपन ही नहीं हो रहा। जी आसिफ, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन अभी मैंने आपको बताया कि फैमिली स्ट्रीम ओपन है जिसकी एक मतलब सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं। आप इमिग्रेशन विद रिजवान लॉक एट 9 o'clock हियर्स प्रोग्राम वेबिनार विच विल बी ऑन एयर, तो आप उसको देख सकते हैं वो चीजों के लिए। उस्मान रजा कह रहे हैं IELTS 7.5 ओवरऑल है, 72% BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2015 फॉर मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट विद स्कॉलरशिप इन यूके। उस्मान यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन सेंड योर डिटेल्स एट स्टूडेंट वीजा एट इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स डॉट pk 03-0331589-7 03-0858-7 and 03 सदाम नंबर बताइए 4090-0349-586-863। मोहम्मद आसिफ लतीफ, बेस्ट ऑफ लक एंड 26 इयर्स ऑफ सेल्स एंड बैंकिंग एक्सपीरियंस इन गेटिंग बिजनेस वीजा इन दिस डेज, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन गिव यू द बेस्ट ऑप्शन व्हाटएवर इज अवेलेबल। All right, I have done masters in psychology in 2010. After that, I have been teaching. Can I eligible or not to go UK? Javeria, aap bilkul ja sakti hain, aap humse rabta kar sakti hain. Psychologists are highly required. Wo under
हेल्थ प्रोफेशनल्स के आते हैं और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है और उनकी डायरेक्ट इमिग्रेशन भी हो जाती है. आप प्लीज कॉन्टेक्ट कर लें 03031589 TETRA 7 and 03065858 TETRA 7 लाहौर के लिए और 03085858 TETRA 7 इस्लामाबाद ऑफिस के लिए. आप कॉन्टेक्ट करके वो चीजों के और आपने लेवल 6 के लिए सदा फी देनी है. उनकी फी जो है वो 360 pounds के ऊपर काउंट करती है वो चीजों के लिए. आपका 140 तक आपकी प्रोसेसिंग फी होती है. तो आप उसके लिए डिटेल चेक करके आप पहले उसको अप्लाई करें और उसके बाद मतलब आपकी चीजें होंगी. कनाडा एप्लीकेशन की कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए? कनाडा एप्लीकेशन के लिए हमारा एक अलग से प्रोग्राम होगा, लेकिन अगर वो स्टूडेंट वीजा पे है तो वो $10,000 आपने जमा करवाने होते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर SDS प्रोग्राम में अगर आपने जाना है. अदरवाइज आपको 10,000 की बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ती है डॉलर की. वो आपका फिर बाकी चीजें उसके हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं जो बाय रीचिंग आर नंबर्स एंड ऑफिस एंड ईमेल. जिशान, इट्स व्हेन इट कम्स टू अबाउट कि मैं कैसा रहेगा, तो स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके, तो आप स्टडीज के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा अगर आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं और घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है वो चीजों के लिए, पढ़ने के लिए भी अच्छा है. तो हमने ये देखना है कि हमारा मकसद क्या है जाने का और कौन सी यूनिवर्सिटी और लिविंग एक्सपेंसेस कहाँ पर कम से कम हो सकते हैं. तो उसके लिए जिशान आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा. सेकेंड सेमेस्टर में अपना एडमिशन ले सकता हूँ? मुझे उस चीज के लिए चीजों को जरा देखना पड़ेगा. एंड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस क्यों इतना स्लो है आजकल? आई थिंक महराते ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा रादर इज वेरी फास्ट दीज डेज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम पीरियड्स. स्टूडेंट वीजा बड़ी आसानी से मिल रहा है, 4-4 दिन के अंदर वो स्टूडेंट वीजा दे रहे हैं वो चीजों के लिए. आपकी किसी चीज की कमी होगी कोई जिसकी वजह से चीजें इस तरह है. And Raza Khan is asking, I'm in Dubai, my experience, salon, male, female requirement, UK employment visa. Raza, आप 03065858 TETRA 7 पे कॉल करके और पता कर सकते हैं वो चीजों के लिए. तो मैं आपको UK के employment के बारे में कुछ ना कुछ को वो बता सकती हूँ पहले assessing your other criteria. I'm staff nurse officer AG. आपने ये पूछा है कि मैम जी मैं जा सकती हूँ? Yes, staff nurses तो directly जा सकती हैं. आपके लिए तो आपको student visa पे भी जाने की जरूरत नहीं है. You can get your direct immigration in UK क्योंकि UK health professionals को फौरी तौर पे ले रहा है. आपको CBT test देना होगा which is not difficult. You can contact us at 03065858 TETRA 7 and 03085858 TETRA 7 and 03033158 TETRA 7. कोई भी हमारे जो नंबर्स दिए हुए होते हैं जो हमारे स्टूडेंट वीजा के या इमिग्रेशन के नंबर्स हैं उनमें से, चूंकि ऑफिसेस के ही नंबर हैं इधर ऑफिस इस्लामाबाद और ऑफ लाहौर, हम आपको फौरी तौर पे उस पे डिटेल दे सकते हैं और आपको बता सकते हैं. एंड आप लाहौर में तो आप आके मुझसे मिल सकती हैं. I am available or I'll not be available on Monday, लेकिन अदरवाइज आई एम अवेलेबल. आप मुझे अगले वीक में या मुझसे ऑफिस में के नंबर पे 03065858 TETRA 7 पे कॉल करके पता करके आप आके मिल सकती हैं. साजिद हुसैन, तो रिसेप कैन आई अप्लाई फॉर September 2021 सेशन ऑन 7th September सेमेस्टर रिजल्ट? माई डिग्री इज गोइंग टू कम्प्लीट इन कमिंग जून. साजिद, हम ये देख सकते हैं कि आपके क्रेडिट आवर्स किस यूनिवर्सिटी में और किस कंट्री में ट्रांसफर किए जा सकते हैं. उनकी बेस के ऊपर अगर आपने अपना अप्लाई करना है तो यस, अगर आप यहीं से कंप्लीट करके अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको September 2021 के इनटेक में आप जा सकते हैं. बट द क्राइटेरिया विल अप्लाई व्हाटएवर आर द
changes and circumstances, everything will apply on that. ठीक है. Rishan, I have forgotten what did I say to you. आपको आपको अगर नेट का इशू आ रहा है Rishan, तो हमारी ये वीडियो खत्म थोड़ी हो जाएगी. मतलब इट्स नॉट लाइक कि हमने बात कर रहे हैं, बात खत्म करेंगे तो शो गायब. नथिंग इज लाइक दैट. द वीडियो रिमेन्स इन इमिग्रेशन विद रिजवानुल हक, वीडियो रिमेन्स ऑन माय फेसबुक, वीडियो रिमेन्स ऑन हमारे पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, immigrationexperts.pk, इमिग्रेशन विद रिजवानुल हक के ऊपर, जो हमारा मतलब जिसमें इतने फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं, मोर देन 1 मिलियन. तो उस सिनेरियो में आप यहाँ पर आके अपनी वो चीजों को देख सकते हैं. ठीक है. एंड इस आई एम सॉरी राना अब्दुल्ला खान, मैं आपका समझ नहीं सकी क्वेश्चन. ममूना खानी जमान खान, आपको उसके लिए एफर्ट डालनी पड़ेगी, आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा इस्लामाबाद ऑफिस या लाहौर ऑफिस, और गारंटेड है ममूना कि हम आपको भेज देंगे. टीचर जॉब अवेलेबल फॉर इमिग्रेशन एप्लीकेंट्स. दानिश, आपको हमसे राब्ता करना पड़ेगा ताकि हम आपको वो चीजों की डिटेल बता सके. यस Rishan, एडमिशन हो सकता है. मी एंड माई वाइफ आर डॉक्टर्स. आयुष 45 एंड माई वाइफ 38, want immigration to UK. We are only MBBS, no speciality, working presently in Saudi since 12 years. Please, can you help us and process for us? Yes, Dr. Niaz. Dr. Niaz, उसमें थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि एज अ डॉक्टर अगर आपने जाना है तो यहाँ पे आपकी इमिग्रेशन डायरेक्टली हो सकती है. इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको प्लैब वन करना पड़ेगा. प्लैब वन के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है. अगर आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं तो इसका मतलब आप इन टच है. आपको आयुष या OET देना होगा और प्लैब वन के कोई मतलब उसमें पाकिस्तान में हम आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट भी कर सकते हैं वो चीज़ों के लिए. आपको अपना जो टेस्ट है 190 उसके मॉक क्वेश्चंस हैं, चेक करके वो चीज़ों के लिए आप उसको वो दे सकते हैं. अगर आपकी कोई स्पेशलिटी होती तो विदाउट क्लैब भी आप अपनी इमिग्रेशन पे डायरेक्टली हायर्ड फ्रॉम हियर आप जा सकते थे. सिंपली मतलब मैं आपकी प्रैक्टिस का आपका आप अपना CV भेज सकते हैं आप हमें, और इमिग्रेशन स्टूडेंट वीजा immigrationexperts.pk पे, या आप हमें अपना CV 0306585 Tetra 7 0308585 Tetra 7, इनमें से दोनों में से लाहौर ऑफिस इस्लामाबाद ऑफिस के किसी भी नंबर पे आप भेज सकते हैं. तो आपको डिटेल बता दी जाएगी कि इसमें आपकी इमिग्रेशन कितनी पॉसिबल है, और आपकी इमिग्रेशन हो जाए तो आप डायरेक्टली जॉब पे जाते हैं. एंड जॉब अपॉर्चुनिटी इज टू गुड, और वो जो जॉब आपको मिलती है वो आपकी मोर देन डॉक्टर्स को 30,000 pounds प्लस में मिलती है पर एनम के हिसाब से. और उसके लिए डॉक्टर साहब आप आके भी मिल सकते हैं. इफ यू आर कमिंग इन रमदान टू पाकिस्तान, यू कैन मीट अस इन आवर ऑफिसेज इन इस्लामाबाद और लाहौर, और आपको हम इस चीज की डिटेल दे सकते हैं, और वो चीजों के लिए आपको कोई ना कोई उसका हल निकाल के दिया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर स्टेइंग विद अस. सदाम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, हमारे पास एक ऑप्शन है जो स्किप कर गए थे कि विदाउट आईएलटीएस में अगर किसी बच्चे ने या फिर किसी ने अभी 2018 तक अपनी डिग्री कंप्लीट की है या इंटर, और इंटर में उसके इंग्लिश सब्जेक्ट में 145-142 मार्क्स हैं तो वो विदाउट आईएलटीएस यूके एक टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं. अच्छी यूनिवर्सिटी अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 70% 75% मार्क्स होते हैं इंटर में, जिन्होंने 2018 में या बैचलर डिग्री की है या फिर इंटर किया है, और उनका 142 इंग्लिश में मार्क्स हैं 200 में से, तो वो विदाउट आईएलटीएस इजीली यूके टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं. हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें 142 मार्क्स हैं बच्चे के, तो वो विदाउट आईएलटीएस जा सकते, उसको आईएलटीएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड बच्चे.
चीजों के लिए. ऑलराइट व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. मतलब 1 आवर के लिए 54 मिनट्स गुजर चुके हैं और हम आपके साथ फुली मतलब इन टच इन अ वे कनेक्टेड रहे हैं वो चीजों के लिए और आपके क्वेश्चंस को भी आंसर कर दिया. अगर आपके फर्दर क्वेरीज हैं तो यू कैन डायरेक्टली ईमेल अस, हम आपको बता चुके हैं studentvisa@immigrationexperts.pk. और इसके अलावा हम आपको बता चुके हैं कि आप हमें हमारे प्रोवाइडेड नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं 0306585 Tetra 7, 0305585 Tetra 7. और आप हमसे इसके अलावा 0331589 Tetra 7 पे आप इन नंबर्स में से किसी भी नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं और हम आपको वो चीजों की डिटेल बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज जी. अपना ख्याल रखिएगा. कोविड से बचने के लिए लाजमी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, बजाय इसके कि हम ज्यादा बचने की कोशिश करें, हमें चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं. सो लेट्स डू इट टुगेदर. अपनी एक्सरसाइज करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और अच्छा खाएं भी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.